हाँ बच्चों, सबको गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। देखिए बच्चों, पिछली क्लास में आपको पोएम पढ़ाई थी मैंने, द हेवन ऑफ फ्रीडम, दैट वाज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। और बच्चों, वो कविता जो है पिछली क्लास में हमने कंप्लीट पूरी पढ़ ली थी, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट पोएम। आज आगे वाली जो कविता है वो हम पढ़ेंगे बच्चों। यू प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 82। द नेम ऑफ द पोयम, कविता का नाम, एज इट इज रिटन ऑन द बोर्ड, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, कविता का नाम है बच्चों इकोलॉजी। ठीक है, तो इकोलॉजी या इकोसिस्टम को आप हिंदी में कहते हैं पारितंत्र या पारिस्थितिकी। क्लियर है? तो ये जो पोयम है बच्चों, ये जो शब्द है इकोलॉजी या इकोसिस्टम, ये एक्चुअली बेसिकली ये ज्योग्राफी का शब्द है। तो पारिस्थितिकी, पारितंत्र के बारे में आप एसएसटी में पढ़ते हैं। अब इस कविता का इकोलॉजी से क्या संबंध है? तो इस कविता को बच्चों क्या है, एके रामानुजन ने लिखा है। एके रामानुजन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंग्लो इंडियन पोएट्स। एके रामानुजन जो है वो महानतम आंग्ल भारतीय कवियों में से एक थे। ये दक्षिणी भारत में जो है, साउथ में बच्चों इनका जन्म हुआ था। अमेरिका के अंदर ये हमारे विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में जो है अमेरिका में इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। और इनकी जो पोयम है, एक ओबिचूरी नाम से इनकी कविता, वो बड़ी मशहूर है। ओबिचूरी का मतलब होता है शोक संदेश। तो इसी प्रकार से बच्चों इन्होंने ये कविता लिखी है इकोलॉजी। और ये जो इकोलॉजी कविता है, इसका सेंट्रल आइडिया ये है कि कभी कभी कोई पेड़ जो होता है, ट्री जो होता है, दैट मे बी यूजलेस फॉर यू, वो आपके लिए यूजलेस हो सकता है, बट इट डजेंट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट यू कट द ट्री, कि आप उस पेड़ को काटें। तो यही बताया गया है कि पेड़ जो है, जहां वह आपके लिए पॉजिटिव वैल्यूज रखता है, तो इट मे आल्सो हैव सर्टेन निगेटिव वैल्यूज। बच्चों आप जानते हो, जो पेड़ होता है उसके फूल आते हैं, लेकिन उसी पेड़ के कांटे भी आते हैं। और सिर्फ कांटे आने की वजह से पेड़ को नहीं काटा जाना चाहिए। और यदि ऐसा हम करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे हमारा इकोसिस्टम जो है इम्बेलेंस होता है, इससे हमारी इकोलॉजी इम्बेलेंस होती है, हमारा पारितंत्र जो है उसका संतुलन बिगड़ता है। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोयम। बच्चों आप कविता को खोलेंगे, शुरू करते हैं। द डे आफ्टर द फर्स्ट रेन, कवि कहता है कि बारिश की ऋतु जब आती है, वेन एवर द रेनी सीजन कम्स, जब जब बारिश की ऋतु आती है, तो बारिश की ऋतु में क्या होता है बच्चों, ये कहता है कि द डे आफ्टर द फर्स्ट रेन, जस्ट जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट होता है, तो द डे आफ्टर द रेनी सीजन बिगिंस, यानी बारिश की ऋतु प्रारंभ होती है उसके एक दिन बाद क्या होता है, फोर ईयर्स का मतलब होता है बच्चों, ये जो काम है ये कई सालों से हो रहा है। कौन सा काम? आई वुड कम होम का मतलब होता है आई यूज टू कम होम, यानी मैं अपने घर आया करता था। कवि ये कहता है अपनी जो पास्ट स्ट्रेंज है बेटे, उसके बारे में बता रहा है कि जब जब भी बारिश की ऋतु प्रारंभ होती है, तो उसके ठीक एक दिन बाद में क्या है कि मैं घर आता हूं। इन ए रेज का मतलब है, वो अपने घर आता था। इन ए रेज का मतलब है एंग्रीली, इन एन एंग्री मूड। इन ए रेज का मतलब होता है इन एन एंग्री मूड। देखो बच्चों, दिया इसमें, देखो इन ए रेज, तो रेज शब्द जो है ना बच्चों, इसका मतलब होता है फ्यूरी। इसको मैं ये भी कह सकता हूं, देखो इन ए फ्यूरी। आप इसको यूं कह सकते हो कि जब जब कभी अपने घर पर आता है, तो बारिश की ऋतु जैसे ही प्रारंभ होती है, तो उसके ठीक एक दिन बाद में कभी क्या करता है, अपने घर पर आता है एंग्रीली या इन एन एंग्री मूड, यानी कभी एक क्रुद्ध मुद्रा में अपने घर आता है। कम होम, ध्यान दो बच्चों, कई बार कहा मैंने कम टू होम नहीं होता है, ये गलत है, और शुद्ध होता है कम होम। ठीक है, कम होम। वुड मॉडल यहां आ रहा है,
ये वुड मॉडल जो है बच्चों किसके लिए आता है? ये वुड मॉडल हमेशा स्ट्रेंज पास्ट हैबिट के लिए आता है, स्ट्रेंज पास्ट हैबिट के लिए। तो कवि की जो ये आदत है, ये पास्ट हैबिट का मतलब उसकी ये पुरानी आदत है, और स्ट्रेंज का मतलब है बच्चों ये थोड़ी अजीबो गरीब आदत है। ये कवि की पुरानी अजीबो गरीब आदत है कि जब भी बारिश की ऋतु प्रारंभ होती है, whenever the rainy season begins, यानी जब भी बारिश की ऋतु प्रारंभ होती है, the poet comes home in an angry mood, यानी कवि आता है अपने घर पर एक क्रोधित मुद्रा में। और बच्चों ऐसा कब से हो रहा है? It has been happening for many years, ऐसा अनेक वर्षों से हो रहा है। जब जब बारिश की ऋतु प्रारंभ होती है तो कवि अपने घर पर आता है, और बच्चों वो कैसे आता है? He would come in a rage, he would come in a fury, he would come angrily, or he would come in an angry mood, अर्थात वह क्रोधित मुद्रा में आता है। And it has been happening for many years, और ऐसा बच्चों अनेक वर्षों से हो रहा है। अब प्रश्न यह है कि उसको समस्या क्या है। अब बच्चों सवाल यह है, नाउ द क्वेश्चन इज दैट वॉट कंप्लेन डज द पोएट, वॉट कंप्लेन डज द पोएट हैव अगेंस्ट द रेनी सीजन, यानी जो बारिश की ऋतु है उसके खिलाफ या उसके विरुद्ध कवि को शिकवा क्या है, कवि को बच्चों क्या शिकायत है? ये बच्चों यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब अभी तक आपको हम इस कविता में अभी तक हमने नहीं दिया है। अब जरा ये समझेंगे। द डे आफ्टर द फर्स्ट रेन, पहली बारिश के ठीक बाद वाले दिन, द डे एग्जैक्टली आफ्टर, द डे एग्जैक्टली आफ्टर द रेनी सीजन, मतलब इसका मतलब ये हुआ बच्चों की जो बारिश की ऋतु होती है, उस बारिश की ऋतु में जो पहली वर्षा होती है, उस बारिश की ऋतु में जो पहली वर्षा होती है उसके ठीक बाद वाले दिन, फोर इयर्स आई वुड कम होम इन अ रेज, यानी आई वुड कम होम इन अ रेज, फोर इयर्स, अनेक सालों से मैं आता हूं अपने घर पर, अनेक सालों से मैं अपने घर पर आता हूं, आता था, और किस रूप में आया करता था? वह अनेक सालों से अपने घर पर क्रोधित या क्रुद्ध मुद्रा में आया करता था। फोर का मतलब होता है बच्चों बिकॉज। आइए एक शब्द आ रहा, देखो जरा, देखो आप, फोर, एफ ओ आर, फोर, यानी तो के लिए होता है, लेकिन ये जो बच्चों पर्टिकुलर पोयम है यहां पर इस फोर का मतलब होता है बिकॉज। जरा देखना, एफ ओ आर, फोर, यानी क्या लिखा मैंने? बिकॉज, बिकॉज, फोर का मतलब है बिकॉज। आई कुड सी, इसका मतलब ये है बच्चों, आई कुड सी का मतलब है कि फोर, आई कुड सी का मतलब है आई सा, अर्थात जो मैं देख पाता था, क्या देख पाता था? फ्रॉम अ माइल अवे, फ्रॉम ए माइल अवे डिस्टेंस का मतलब एक मील दूरी से, जब मैं अपने घर से एक मील दूर हुआ करता था तो वहीं से मुझे पता चल जाता था। आई वुड नो या आई कुड नो, मैं जान सकता था, फ्रॉम ए माइल, फ्रॉम ए माइल अवे, फ्रॉम ए माइल अवे या फ्रॉम ए माइल डिस्टेंस, फ्रॉम माई होम, आउट देयर, देखो, फोर आई कुड सी फ्रॉम ए माइल अवे आउट देयर, अर्थात वहां से जब मैं एक मील दूर होता था तभी मुझे पता चल जाता था, खुशबू से मुझे पता चल जाता था, क्या? कि देयर रेड चंपक ट्रीज, कि वहां अर्थात मेरे घर पर जो लाल रंग के चंपक के पेड़ हैं, दे हैड डन इट अगेन, दे हैड डन इट अगेन, अर्थात उन्होंने फिर जो है उन्होंने फिर से वही गुल खिलाया है, उन्होंने फिर से वही गुल खिलाया है। कवि ये कहता है कि जब मैं अपने घर से एक मील की दूरी पर होता था तो वहीं से मैं ये जान पाता था, दैट कि द रेड चंपक ट्रीज देयर हैड डन इट अगेन, इसका मतलब ये हुआ कि लाल जो चंपक के पेड़ हैं, वो लाल चंपक के पेड़ जो है उन्होंने फिर से वही गुल खिलाए हैं। इसका मतलब यह है कि उन लाल चंपक के पेड़ों ने फिर से वही वही काम कर डाला है, फिर से उन्होंने क्या किया है? फिर से उन्होंने वही काम कर डाला है। कौन सा काम? दे हैड ब्रश्ड इनटू फ्लावर्स, दे हैड ब्रश्ड इनटू फ्लावर्स का मतलब होता है बच्चों कि वो फूलों से लदे पदे हैं, दे आर ब्लोसॉम्ड, दे आर ब्लोसॉम्ड, अर्थात दे आर हेविली ब्लोसॉम्ड का मतलब होता है कि बच्चों बहुत अधिक उनके ऊपर फूल आ गए हैं। और बच्चों फूल आने से शिकायत क्या है? आप मुझे बताइए कि जब लाल चंपक के पेड़ के ऊपर अगर फूल आ रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? लेकिन कवि को प्रॉब्लम है। कवि जब अपने घर से एक मील दूर होता है
तो जो वर्षा ऋतु की जो पहली वर्षा है, उस पहली वर्षा पर वो जब अपने घर आता तो बड़ा क्रोधित मुद्रा में आता था। वजह यह थी कि वो अपने घर से एक मील दूर से ये देख पाता था कि उसके घर पर जो रेड चंपक ट्री मानी जो लाल चंपक का पेड़ है उसके ऊपर मोटे मोटे फूल आ जाते थे, और वह सुगंध जो थी बच्चों, उन चंपक के फूलों की जो सुगंध थी, एक्चुअली इट कॉज्ड हिज मदर माइग्रेन। इसका मतलब यह है कि उन चंपक के फूलों की खुशबू से उसकी माँ मानी जो कवि की माँ है उन्हें आधा शीशी का दर्द हुआ करता था, अर्थात उनका जो आधा सर है उसमें दर्द हुआ करता था, इसलिए उन फूलों की खुशबू से क्या है कवि को बड़ी शिकायत थी। वो कहता है मुझे दूर से पता चल जाता था कि लाल चंपक के पेड़ ने फिर से वे गुण खिलाए हैं, आई मीन दैट बर्स्ट इनटू फ्लावर, अर्थात जो है वो फूलों से लदे पदे हैं, एंड दे हैड गिवन मदर, और उन्होंने कवि की माँ को दे दिया है क्या, हर फर्स्ट ब्लाइंडिंग माइग्रेन। हर फर्स्ट ब्लाइंडिंग माइग्रेन का मतलब ये हुआ कि उन्होंने इस ऋतु में कवि की माँ को उसका पहला अंधा कर देने वाला, ब्लाइंडिंग का मतलब होता अंधा कर देने वाला, माइग्रेन माने होता है आधा शीशी का दर्द। तो वह इस बात को जान जाता था कि इन फूलों की सुगंध ने क्या किया है, लेखक ये सॉरी कवि जो है उस कवि की माँ को अंधा कर देने वाला, उनका आधा शीशी का दर्द दे दिया है। ऑफ द सीजन माने उस ऋतु का, ऑफ द सीजन का मतलब होता है ऑफ दैट पर्टिकुलर रेनी सीजन, उस विशेष वर्षा ऋतु का जो पहला अंधा कर देने वाला आधा शीशी का दर्द है, वह पहला आधा शीशी का दर्द, वह पहला अंधा कर देने वाला आधा शीशी का जो दर्द है वो उस खुशबू के द्वारा कवि की माँ को दे दिया गया है। और ये देख करके कवि को बड़ा गुस्सा आता था, और कवि जब भी अपने घर लौटता तो वो बहुत ही नाराज होकर या बहुत ही गुस्से वाले मिजाज में अपने पांव पटकते हुए घर लौटता था। आगे बच्चों लिखा हुआ जरा देखना, विद देयर स्ट्रीट लॉन्ग हेवी हंग का मतलब बच्चों ये समझो कि फूलों की खुशबू इतनी तीव्र हुआ करती थी, स्ट्रीट लॉन्ग का मतलब जो पूरी गली है गली भर में, हेवी हंग का मतलब होता बहुत तीव्रता के साथ वो पूरी गली के अंदर क्या हो जाती थी, हंग माने व्याप्त हो जाती थी, उन फूलों के परागों की जो खुशबू हुआ करती थी, द फ्रेग्रेंस ऑफ दोज पोलन ग्रेन्स, अर्थात वो जो पोलन ग्रेन्स है अर्थात जो पराग के कण है, उन पराग के कणों की सुगंध इतनी तीव्र हुआ करती थी कि वह बड़ी तीव्रता के साथ में पूरी गली भर में पूरी सड़क के ऊपर जो है फैल जाती थी। फूल खिल गए, उनका पीला पराग इस कदर खुशबू का, इस कदर जो है बच्चों खुशबू का मतलब कि बन जाता था, खुशबू का कोहरा बन जाता था कि वो सड़क के ऊपर व्याप्त हो जाता था, जिससे कोई भी हवा जो है दूर नहीं कर सकती थी। विद देयर स्ट्रीट लॉन्ग हेवी हंग येलो पोलन फॉग, येलो पोलन फॉग का मतलब होता है पीले रंग के जो पराग कण है, उन पीले रंग के पराग कणों से क्या बनता था बच्चों, देखो ये पोलन शब्द है, साइंस का शब्द, साइंस में पढ़ते हो पोलन, तो पोलन को आप हिंदी में बोलते हो पराग, ठीक है। और आगे आ रहा है फॉग का मतलब होता है कोहरा, यानी वो जो पीले फूल हैं उन पीले फूलों की सुगंध इस कदर फैल जाती थी कि सुगंध का क्या बन जाता था, खुशबू का कोहरा बन जाता था, और सारी सड़क के ऊपर है ना, स्ट्रीट लॉन्ग का मतलब होता है पूरी सड़क के ऊपर पूरी गली भर में, हेवी हंग का मतलब क्या होता है कि वो जो कोहरा है बच्चों वो बड़ी सघनता के साथ में फैल जाता था, ऑफ अ फ्रेग्रेंस यानी उस खुशबू का, नो विंड कुड शिफ्ट एंड दैट कुड नॉट बी प्रिवेंटेड बाई एनी विंड, और वो जो खुशबू का कोहरा इतना सघन इतना डेंस हुआ करता था दैट इट कुड नॉट बी शिफ्टेड दैट इट कुड नॉट बी ट्रांसफर्ड इवन बाई एनी विंड इवन बाई एनी गस्ट ऑफ विंड यानी हवा के किसी भी झोंके के द्वारा वो जो कोहरा है बच्चों वो दूर नहीं होता था, वो कोहरा जो है वह दूर नहीं होता था। तो एट बर्स्ट इन टू फ्लावर एंड गिवन मदर हर फर्स्ट ब्लाइंडिंग माइग्रेन, यानी कभी को दूर से पता चल जाता था कि चंपक के जो पेड़ हैं वो पुनः फूलों से आच्छादित हो गए हैं, they have been covered with flowers, अर्थात वो फूलों से पुनः आच्छादित हो गए हैं, and they have given the poet's mother her first blinding migraine of the season, और उन्होंने
उस ऋतु का पहला अंधा कर देने वाला आधा शीशी का दर्द कवि की माँ को भेंट के रूप में दे दिया है। कवि जब इस बात को जानता था, विद देयर स्ट्रीट लॉन्ग हेवी हंग, और आइए कवि कहता है कि जब फूल खिल जाते थे तो विद देयर स्ट्रीट लॉन्ग हेवी हंग, अर्थात पूरी सड़क या पूरी गली भर में वो इतनी तीव्रता के साथ में व्याप्त हो जाते थे येलो पोलन फॉग कि उनका जो पीला पराग है वो इस कदर, येलो पोलन फॉग ऑफ अ फ्रेग्रेंस, उनका पीला पराग इस कदर खुशबू का कोहरा बनकर सारी सड़क पर व्याप्त हो जाता था, है ना, दैट कुड नॉट बी शिफ्टेड बाई एनी विंड, नो विंड कुड शिफ्ट, जिसे कोई भी हवा क्या कर सकती थी, जिसे कोई भी हवा बच्चों शिफ्ट नहीं कर सकती थी, अर्थात जिसे कोई भी हवा वहां से हटा नहीं सकती थी या दूर नहीं कर सकती थी। नो डोर कुड शट आउट फ्रॉम अवर ब्लैक पिलर्ड हाउस, कभी कहता है कि हमारा जो घर है वो कैसा है, कभी आगे बताना चाह रहा है, देखो बच्चों अपने घर का स्ट्रक्चर बता रहा है आपको कि हमारा घर कैसा है, ब्लैक पिलर्ड हाउस, देखो क्या दिया हुआ है, ये शब्द है बच्चों ब्लैक, ठीक है, पिलर्ड हाउस। तो कभी ये कहता है कि हमारा जो घर है ये नाउन है बच्चों, ये इसका एडजेक्टिव है, तो हमारा घर जो है वो कैसा है, वो काले कंबों वाला है, ब्लैक पिलर्ड हाउस का मतलब होता है काले स्तंभों वाला, अर्थात काले स्तंभों वाला जो हमारा घर है उस घर की विशेषता कभी बता रहा है, ये देखना जरा समझो। नो डोर कुड शट, नो डोर कुड शट आउट, या नो डोर कुड प्रिवेंट फ्रॉम अवर ब्लैक पिलर्ड हाउस वॉल्स, फ्रॉम अवर ब्लैक पिलर्ड हाउस हुज वॉल्स हैड ईयर्स एंड आईज, कभी ये कहता है कि नो विंड कुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग अवर हाउस, यानी कोई भी हवा हमारे घर में दाखिल होने से नहीं रोकी जा सकती थी, क्योंकि हमारा घर कैसा था, हमारा घर बच्चों ब्लैक पिलर्ड का, हम लोग काले खंभों का बना हुआ था, हुज वॉल्स, आज ये कहा गया है कि हुज वॉल्स यानी हमारा घर, हुज वॉल्स यानी जिसकी दीवारें, उसकी दीवारों में क्या थे, हुज वॉल्स हैड ईयर्स एंड आईज, तो बच्चों यही बताया गया है कि हमारा पुराना घर जो काले स्तंभों से बना हुआ था, जिसकी दीवारों में बच्चों कान भी थे, आंखें भी थी, अर्थात उसकी दीवारों में जगह जगह क्या थे, छेद थे, उसकी दीवारों में क्या, उसकी दीवारें कैसी थी, पोरस, पोरस का मतलब छिद्रों वाली, उसकी जो दीवारें हैं बच्चों वो छिद्रों वाली थी, दैट्स वाई नो गस्ट ऑफ विंड कुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द हाउस, इसलिए बच्चों क्या था, हवा का कोई भी झोंका उस घर में दाखिल होने से नहीं रोका जा सकता था। हमारा घर कैसा था, हमारा घर काफी पुराना था, है ना, ये ब्लैक पिलर्ड हाउस का मतलब काले स्तंभों वाला हमारा घर था, और ये घर जो है काफी पुराना होने के कारण इस घर में हवा का कोई भी झोंका अंदर प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता था। वजह यह कि हमारे घर की जो दीवारें हैं उनके कान भी थे और उनकी आंखें भी थी, कहने का तात्पर्य यह है कि घर की दीवारों में जगह जगह क्या थे, छेद थे। देयर वर सो मेनी हॉल्स, देखो बच्चों HOLES, देयर वर सो मेनी हॉल्स इन द वॉल्स ऑफ द ब्लैक पिलर्ड ओल्ड हाउस, यानी काले स्तंभों वाला जो पुराना घर है उसकी दीवारों में क्या थे, देयर वर सो मेनी हॉल्स, अर्थात बहुत सारे छेद थे। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे दो मिनट का ब्रेक। ओके,
बच्चों आप कविता पढ़ रहे थे, द नेम ऑफ द पोएम इज इकोलॉजी, और बच्चों पोएम में आप हम समझा रहे थे द डे आफ्टर द फर्स्ट रेन, पहली बारिश के ठीक बाद वाले दिन, फोर इयर्स माने अनेक वर्षों से, आई वुड कम होम, मैं घर आया करता था इन ए रेज माने गुस्से में, फॉर माने बिकॉज, आई कुड सी क्योंकि मैं देख सकता था या मुझे दिखाई देता था, फ्रॉम ए माइल अवे क्योंकि मुझे एक मील दूर से दिखाई, मुझे एक मील दूर से जो है दिखाई दे देता था, आउट देयर हेड चंपक ट्रीज हैड डन इट अगेन, कि वहां पर अर्थात मेरे घर में जो लाल चंपक के पेड़ हैं उन्होंने फिर से वही कर डाला है, मुझे एक मील दूर से ही ये साफ साफ दिखाई दे देता था कि वहां अर्थात मेरे घर पर जो लाल चंपक का पेड़ है उसने फिर से वही कर डाला है, आई मीन इट हैड बर्स्ट इनटू फ्लावर, इट हैड बर्स्ट इनटू फ्लावर का मतलब है ये फूलों से आच्छादित हो गया है, एंड इट हैड गिवन मदर हर फर्स्ट ब्लाइंडिंग माइग्रेन ऑफ द सीजन, और इसने मेरी माँ को भेंट के रूप में, उपहार के रूप में दे दिया है उस ऋतु का पहला अंधा कर देने वाला आधा शीशी का दर्द दे दिया है, विद देयर स्ट्रीट लॉन्ग हैवी हंग, विद देयर स्ट्रीट लॉन्ग हैवी हंग येलो पोलन फॉग ऑफ अ फ्रेग्रेंस, यानी खुशबू का बच्चों, खुशबू का जो जो पीत पराग हैं अर्थात जो पीले पराग हैं उन पीले परागों का कोहरा यानी खुशबू जो है इस प्रकार से फैल गई है कि फूल खिल गए हैं, और बच्चों ये हुआ कि उनका जो पीला पराग है वो इस प्रकार से खुशबू का कोहरा बन करके स्ट्रीट लॉन्ग का मतलब सारी गली भर में अर्थात सारी सड़क के ऊपर फैल गया है, दैट कुड नॉट बी शिफ्टेड बाई एनी विंड, जो किसी भी हवा के तीव्र झोंके के द्वारा भी उसको दूर नहीं किया जा सकता था। आप जानते हैं जब हवा का झोंका आता है तो जनरली बच्चों कोहरा दूर हो जाता है, लेकिन वो कोहरा इतना सघन हुआ करता था, इतना डेंस हुआ करता था, दैट फोग वॉज सो डेंस, दैट फोग वुड बी सो डेंस, अर्थात वह कोहरा इतना डेंस या इतना सघन हुआ करता था, दैट इट वुड नॉट बी शिफ्टेड बाई एनी विंड, एनी गस्ट ऑफ विंड, कि ये किसी भी हवा की चौकी के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता था। आइए कभी अपने घर की स्थिति बताता है, अपने घर का स्ट्रक्चर बताता है कि नो डोर कुड शट फ्रॉम अवर ब्रेक पिलर्ड हाउस, नो डोर कुड शट आउट, यानी कोई भी घर का दरवाजा, नो डोर ऑफ माई हाउस कुड शट आउट, इसका मतलब यह है कि हमारे घर का जो कोई भी दरवाजा है इट कुड नॉट प्रिवेंट फ्रॉम अवर ब्रेक पिलर्ड हाउस, अर्थात कोई भी हमारे जो घर का दरवाजा है वो क्या नहीं कर सकता था, वो हवा की किसी भी झोंके को अंदर दाखिल होने से नहीं रोक सकता था, वजह यह थी कि अवर हाउस वॉज ए ब्लैक पिलर्ड वन, क्योंकि हमारा घर जो है बच्चों पहली बात तो काले काले स्तंभों के ऊपर बना हुआ था, और दूसरी बात यह है कि हुज वॉल्स हैड ईयर्स एंड आईज, और उसकी जो दीवारें हैं उन दीवारों में क्या था, हुज वॉल्स हैड सो मेनी हॉल्स इन देम, अर्थात उसकी जो दीवारें हैं उन दीवारों में जगह जगह बहुत सारे छेद थे, है ना, तो वॉल्स कैसी थी, पोरस वॉल्स, पोरस वॉल्स का मतलब छेदों वाली जो है वो दीवारें थी। आज बताया गया स्केल्स, स्केल का मतलब होता है बच्चों साउंड ऑफ म्यूजिक, अर्थात संगीत की धुन माने सरगम, तो बाहर अगर संगीत की सरगम बजती थी तो सीधे हमारे घर में प्रवेश करती थी। उसी तरीके से स्मेल, स्मेल का मतलब बाहर किसी प्रकार की जो गंध है, पोलन ग्रेन्स की गंध यानी प्राग कणों की गंध या किसी अन्य प्रकार की जो गंध है, दैट कुड आल्सो नॉट बी प्रिवेंटेड, दैट कुड आल्सो नॉट बी प्रिवेंटेड बाय द डोर्स ऑफ अवर हाउस, यानी हमारे घर के जो दरवाजे हैं उन दरवाजों के द्वारा बाहर से आने वाली सरगम या गंध और बॉन क्रिक्स या हड्डियों के चरमराने की जो ध्वनि है वो अंदर आने से नहीं रुकती थी। नाइटली विजिटिंग वॉइसेस का मतलब होता है बच्चों नॉक्टर्नल क्रिएचर्स, यानी जो रात्रि चर जो हैं उनकी ध्वनियां, रात्रि चरों की ध्वनियां भी अंदर आने से नहीं रुक पाती थी। एंड वर पोरस लाइक अस, और ये बताया गया है कि हमारे घर की दीवारें जो है बच्चों दीवारें पोरस जस्ट लाइक अस, यानी जैसे हमारी आंखें होती है, आंखें हमारे शरीर के अंदर बच्चों आप देखते हो आंखें हैं, कान हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, देर आर सो मेनी होल्स इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी कैसी है, पोरस है, छिद्रों वाली है, इसमें कान है, आंख है, नाक है,
तो ठीक उसी प्रकार से हमारी जो घर की दीवारें थी, दोज वर आल्सो पोरस, दोज वॉल्स वर आल्सो पोरस वंस जस्ट लाइक अस, यानी ठीक हमारी तरह हमारे घर की जो दीवारें हैं बच्चों, उन दीवारों की वो दीवारें भी छिद्रों वाली थी, उनमें कान भी थे, उनमें नाक भी थे, और यही वजह है कि बाहर यदि कोई स्केल बज रहा है, स्केल का मतलब कोई संगीत के संगीत का सरगम है, तो सीधा घर के अंदर प्रवेश करता था। उसी प्रकार से बाहर बच्चों अगर मान लो कोई फ्रेग्रेंस या कोई स्मेल है, सुगंध या दुर्गंध या किसी भी प्रकार की गंध है, तो वो गंध सीधे हमारे घर के अंदर प्रवेश करती थी। इसके अलावा बॉन क्रीकिंग्स का मतलब होता है बच्चों हड्डियों के चरमराने की आवाज, बॉन क्रीक्स का मतलब होता है हड्डियों के चरमराने की जो आवाज है वो सीधे हमारे घर में प्रवेश करती थी। एंड द वॉइसेस ऑफ नॉक्टर्नल क्रिएचर्स, और जो नॉक्टर्नल क्रिएचर्स का मतलब जो रात्रि चर है, उनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली ध्वनि भी सीधे हमारे घर में प्रवेश करती थी। एंड वर पोरस लाइक अस, एंड द वॉल्स ऑफ अवर हाउस हैड सो मेनी हॉल्स जस्ट लाइक अस, और बच्चों हमारे घर की जो दीवारें हैं उनके अंदर भी हमारी तरह बहुत सारे छिद्र थे, बट मदर फ्लैशिंग हर टेम्पर। लेकिन बच्चों इतना होने के बावजूद भी उनकी माँ जो है वो एक आदर्श महिला थी, शी वॉज एन आइडियल लेडी, और बच्चों प्रकृति प्रेमी थी, शी न्यू व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजी, वो इकोलॉजी के महत्व को जानती थी, इसलिए इतनी तकलीफ वो सहन करती थी, इतनी तकलीफ वो सहन करती थी, यानी व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। तो बच्चों इस बीमारी का इलाज तो था नहीं, तो उन्होंने इसको सहन करने की आदत डाल ली, उन्होंने इसको सहन करने की आदत डाल ली, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड, जिस चीज का इलाज नहीं किया जा सकता दैट मस्ट बी एंड्योर्ड, उसको एंड्योर करना चाहिए, उसको बर्दाश्त करना चाहिए, उसको सहन करना चाहिए। कवि के माने क्या किया कि उनके आधा शीशी का जो दर्द हुआ करता था वो एक लाइलाज बीमारी थी, उसका उपचार संभव नहीं था, उन्होंने उसको सहन करने की आदत डाल ली, क्योंकि अगर किसी बीमारी का इलाज नहीं है तो आप क्या करेंगे बच्चों, आपने उसको सहन करना पड़ेगा, यू विल हैव टू टॉलरेट इट, यू विल हैव टू एंड्योर इट, आपने उसको एंड्योर करना पड़ेगा। तो कवि की माँ के साथ भी कुछ ऐसा ही था, और जब जब कभी आता और पेड़ को काट के फेंकने के लिए कहता कि इस पेड़ की वजह से, इसके ऊपर जो फूल खिलते हैं उनकी वजह से, उन फूलों का परागकण जो कोहरे के रूप में, खुशबू के कोहरे के रूप में व्याप्त हो जाता है, उस खुशबू के कोहरे की वजह से आपको माइग्रेन होता है, आपको हर बारिश की ऋतु में क्या होता है आधा शीशे का दर्द होता है, इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसलिए कभी ने क्या किया, कभी चला उस पेड़ को काटने के लिए, लेकिन नहीं, जब कभी उस पेड़ को काटने के लिए चला तो उसकी माँ ने उसको ऐसा करने से मना किया, उसकी माँ ने उसको ऐसा करने से रोका, वजह क्या जरा देखना। बट मदर फ्लैशिंग हर टेम्पर, लेकिन जब भी माँ को पता चला दैट नाउ आई एम गोइंग टू कट द ट्री, कि मैं पेड़ को काटने के लिए जा रहा हूं, तो शी फ्लैशिंग हर टेम्पर, यानी माँ ने अपना गुस्सा बरपाते हुए, माँ ने अपना क्रोध बरपाते हुए, बरपाने का मतलब बच्चों हंगामा है, क्यों बरपा, तो बर्पा बोलते हो आप, तो बर्पा एक क्रिया है जिसका मतलब माने अपना गुस्सा बरपाते हुए, अर्थात माने अपना क्रोध प्रकट करते हुए, लाइक हर मदर्स ट्विस्टेड सिल्वर ग्रैंड चिल्ड्रन स्नेक, लाइक हर मदर्स ट्विस्टेड सिल्वर ग्रैंड चिल्ड्रन निकर। बच्चों यहां ये बताया गया है कि लेखक की माँ जो है उनका जो पोता है ग्रैंड चिल्ड्रन ग्रैंड सन, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं बच्चों, वो निकर पहनते हैं, निकर पहनते हैं। आप बिहारी का दोहा भी पढ़ते हो जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जो बाल रूप का वर्णन उन्होंने किया है कि वो कहते हैं कि जातन की जाई, वो एक उनका बंध इस प्रकार का है जिसमें वो भगवान कृष्ण के लिए कहते हैं कि वो जो है शीश मुकुट कटी काछनी कर मुरली उर्माल ए बानक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। तो कटी काछनी का मतलब वो जो बच्चों छोटा बच्चा जो अंडरवियर पहनता है, वो जो निक्कर पहनता है, उस निक्कर को आप धो दो और धोने के बाद उसको निचोड़ दो, वो ट्विस्टेड हो जाता है। ट्विस्टेड का मतलब है कि उसमें बहुत सारे बल पड़ जाते हैं। अब मां क्या करती है कि वो जो निकर है, तो उस निकर का जिस प्रकार से निकर में बल पड़ जाता है, उसी प्रकार से मां का जो चेहरा है, उस चेहरे के ऊपर जो है उनकी भ्रुकुटियां कुटिल हो जाती है, उनको गुस्सा आ जाता है और उनके चेहरे के ऊपर बहुत सारी सलवटें या बहुत सारे बल जो है पड़ जाते हैं। दूसरी बात यह है, सिल्वर का मतलब बच्चों वो चमकीला होता है, उसी प्रकार से माँ के माथे पर क्या होता है कि जो पसीना है, उस पसीने की बूंदें गुस्से के कारण चमचमाने लगती है, उस कारण जो है माँ के चेहरे पर, माँ की माँ के ललाट पर, या माँ का फॉरहेड जिसको कहते हो, माँ का माथा,
तो माथे पर क्या होता है बच्चों, उनके भाल पर पसीने की बूंदें चमचमाने लगती हैं। देखो बट मदर फ्लैशिंग हर टेंपर, लेकिन माँ अपना गुस्सा बरपाती हुई, लाइक हर चिल्ड्रन ट्विस्टेड सिल्वर ग्रैंड चिल्ड्रन स्नीकर, यानी उसकी उसका जो पोता है उस पोते का जो ट्विस्टेड ट्विस्टेड सिल्वर ग्रैंड चिल्ड्रन स्नीकर, अर्थात उसका जो पोता है उस पोते का बच्चों जो ट्विस्टेड सिल्वर, तो ट्विस्टेड सिल्वर का मतलब ये भी लिया जा सकता है कि छोटा बच्चा जो अपने पांव में क्या पहनता है, वो छोटे छोटे चांदी के आभूषण पहनता है, वो ट्विस्टेड होते हैं अर्थात मुड़े हुए होते हैं, और जब उसका जो निकर होता है तो निकर भी क्या है वेट, वो गीला होता है, एज द कॉर्ड पैक ऑन हर हेड, जैसा कि उनके हेड के ऊपर और उनके फॉर हेड के ऊपर उनके ललाट के ऊपर जो कॉर्ड पैक करता है चमचमाती हुई पसीने की बूंदे हैं, उसी प्रकार से जैसे वो गीला निकर होता है उसी प्रकार से उनका चेहरा क्या होता है पसीने की बूंदों से क्या हो जाता है, वो गीला हो जाता है। एंड शी वुड नॉट लेट अस कट डाउन द फ्लावरिंग ट्री, और वो हमको फूलों वाले पेड़ को काटने की अनुमति नहीं देती थी। एंड वी वर नॉट लेट एंड वी वर नॉट अलाउड एंड वी वर नॉट परमिटेड बाई अवर मदर टू कट डाउन दैट ट्री दैट हैड सो मेनी फ्लावर्स, अर्थात एक ऐसा पेड़ जिसके बहुत सारे फूल आ रहे थे, दैट हैड ब्लॉसम्ड अर्थात जो फूलों से लदा पदा था, उस पेड़ को काटने की वह हमको किसी सूरत में क्या नहीं देती थी, परमिशन नहीं देती थी। शी नेवर अलाउड अस शी नेवर परमिटेड अस एट एनी कॉस्ट टू कट डाउन दैट ट्री डेस्पाइट डेस्पाइट हर सेवियर माइग्रेन पेन, अर्थात उसका आधा शीशी का जो दर्द है उस दर्द के बावजूद उस दर्द को वो सहन कर लेगी, उस दर्द को वो सहन कर लेगी, परंतु उस पेड़ को वो नहीं काटने देगी, क्योंकि वो ये भी कहती है कि ये बच्चों जो पेड़ है ना ये मेरी दाएं दर का है, दाएं दर से मतलब ये है कि ये मेरा हम उम्र है, ये जो है मेरा समवय है, मेरा हम उम्र है, ये मेरा समवय है, जितने साल की मैं हूं तकरीबन उतने साल का ये भी है। और वो ये कहती है कि जब वो नई नई प्रण की आई थी कवि की मम्मी, जब अपने ससुराल प्रण की आई थी, तो ये कह रही कि कोई चिड़िया आसमान में से उड़ के जा रही थी और उस चिड़िया ने क्या किया एक बेट कर दी, तो इत्तफाक से क्या हुआ कि वो जो भेंट है उस भेंट के अंदर क्या था एक बीज था, और उस बीज से वो पौधा हुआ है जो बहुत अच्छा क्या माना जाता है शकुन माना जाता है, जो एक गुड ओमेन अर्थात बहुत अच्छा शकुन माना जाता है। तो इस प्रकार से आप देखते हो कि जो कवि की माँ बच्चों वो परंपरावादी विचारों की है, शी बिलीव्स इन ट्रेडिशनल थॉट्स, अर्थात जो ट्रेडिशनल थॉट्स यानी जो परंपरागत विचार हैं वो उनको मानने वाली है, वो जो आधुनिक जो मॉडर्न विचारधारा अर्थात जो आधुनिक ख्यालात हैं उनको वो नहीं मानती हैं। आगे बताया गया है ऑलमोस्ट एज ओल्ड एज हर ऑलमोस्ट एज ओल्ड एज शी, अर्थात जो है ये बेड करीब करीब जो उतना ही बड़ा है जितनी बड़ी वो खुद है, कौन है वो लेखक की कवि की जो माँ है उनकी जितनी उम्र है लगभग, द ट्री वॉज ऑलमोस्ट एज ओल्ड एज शी, यानी वो जो चंपक ट्री था वो लगभग उतना ही बड़ा था उतनी ही आयु का था जितनी आयु की कवि की माँ थी, इसलिए बच्चों मैंने कहा कि वो पेड़ जो था वो करीब करीब कवि की माँ की दाइंदर का था, दाइंदर से मतलब यह है कि उनका हम उम्र था। शी डेड का मतलब होता है उसका बीज जो है बच्चों उगा था या उसका बीज जो है फूटा था, शी शेड वो कहा करती थी भाई पासिंग बर्ड, भाई पासिंग बर्ड का मतलब होता है गुजरता हुआ भाई फ्लाइंग बर्ड, अर्थात बच्चों एक उड़ता हुआ पक्षी एक गुजरता हुआ पक्षी जो था है ना, उसने क्या किया प्रोविडेंशियल ड्रॉपिंग का मतलब होता है प्रोविडेंशियल का मतलब बाई चांस यानी इत्तफाक से या संयोग से एक गुजरते हुए एक उड़ते हुए पक्षी की ड्रॉपिंग, अर्थात जो उसकी बीट है उस बीट में से जो है वो या उसके द्वारा गिराया गया था, उसके बीट के रूप में गिराया गया था, उसके मुंह से गिराया गया था, पर ये मान के चलो कि वो एक उड़ते हुए पक्षी के द्वारा वो बीज गिराया गया था। एंड दैट वॉज कंसिडर्ड टू बी अ गुड ओमेन, और बच्चों उसको गुड ओमेन माने उसको अच्छा शकुन माना जाता है। टू गिव हर गॉड्स, और बच्चों क्या है टू गिव हर गॉड्स, इत्तफाक से ये बीज गिरा था और उस बीज से ये पेड़ बना है, और ये पेड़ क्या देता है बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स का मतलब टोकरियां भर भर करके उनको फूल देता है, इन ऑर्डर टू ऑफर फ्लावर्स टू हर गॉड्स, अर्थात उनके जो देवता हैं उन देवताओं को भेंट चढ़ाने के लिए टोकरियां भर भर के फूल देता है। एंड हर डॉटर्स, और उनकी पुत्रियों को, उनके साउथ में बच्चों आप जानते हैं महिलाएं अपने जुड़े में अर्थात अपने केशों के अंदर जो ओरिजिनल फूल लगाती है,
है ना, और बहुत फूलों से उनको बड़ा प्यार रहता है, तो उनकी बेटियों का श्रृंगार करने के लिए, उनकी बेटियों की बेटियों का श्रृंगार करने के लिए, उनके देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए, अर्पण करने के लिए ये जो चंपक का पेड़ है, इट गेव हर, अर्थात ये उनको देता था मैनी बास्केट फुल फ्लावर्स, अर्थात अनेक टोकरियां बरबर की फूल देता था, टू गिवर वर्ड्स, अर्थात उनके देवताओं को ऑफर करने के लिए, एंड डॉटर्स एंड डॉटर्स एंड हर डॉटर्स, उसकी बेटियों को, एंड डॉटर्स डॉटर्स, और उसकी नवासियों को, अर्थात उसकी दोहितियों को, बेटी की बेटी दोहिती होती है ना, तो उसकी दोहितियों को भी बास्केट फुल ऑफ एनुअल फ्लावर, अर्थात एनुअल का मतलब वार्षिक, ईयरली, अर्थात हर वर्ष टोकरियां भर भर के, हर वर्ष टोकरियां भर भर के वह क्या करता था, वह उनकी बेटियों को और बेटियों की बेटियों, अर्थात अपनी दोहितियों को अर्पण करने के लिए, उनको भेंट देने के लिए ये जो है टोकरियां भर भर करके फूल देता था। एंड फॉर और एंड फॉर वन लाइन ऑफ कजन्स, और एक पूरी पीढ़ी के लिए, वन लाइन ऑफ कजन्स, तो लाइन ऑफ कजन्स का मतलब होता है बच्चों फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर। हालांकि ये अलग बात है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ये न केवल फूल देता था बल्कि बच्चों ये माइग्रेन देता था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। ये लड़कियों को क्या है कि जब जब भी वर्षा की ऋतु आती तो उनके माथे में क्या है, आधा शीशी का दर्द होता, तो जैसे हम किसी को दहेज देते हैं, डोवर देते हैं, डोवर मानी दहेज, तो उसी प्रकार से बच्चों हम दहेज देते हैं, तो उसी प्रकार से वर्षा की ऋतु में उसकी बेटियों के लिए फूलों के साथ ही आधा शीशी का जो दर्द है वो भी दहेज के रूप में देता था। एंड फोर वन लाइन ऑफ कजन्स, इस लाइन का मतलब होता है बच्चों, इसलिए जानते हो कजन इनके होता है चचेरा भाई या चचेरी बहन, तो वन लाइन ऑफ कजन्स का मतलब हो गया फोर अ कंप्लीट जनरेशन, अर्थात एक समग्र पीढ़ी के लिए, डावर ऑफ माइग्रेंस इन सीजन, अर्थात उस वर्षा ऋतु में, इन दैट पर्टिकुलर सीजन, अर्थात उस वर्षा ऋतु में क्या करता था, इट आल्सो गेव ए डोर ऑफ माइग्रेन्स, अर्थात दहेज के रूप में आधा शीशी का दर्द भी भेंट किया करता था, दर्द दहेज के रूप में आधा शीशी का दर्द भी भेंट किया करता था। तो बच्चों आपने जाना कि जो कविता है आपकी, इस कविता का जो सारांश बच्चों क्या है, वो सारांश इतना सा है, इकोलॉजी इज डीपली रूटेड इन द ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, इकोलॉजी कविता भारत की परंपराओं के अंदर गहराई से जमी हुई है, विच द पोएट इज इंस्ट्रिंसिकली अटैच्ड टू, जिससे क्या है कवि सहज रूप से क्या है बच्चों अटैच है, एंड फाइंड्स दैट, उस बात को पाता है दैट विद ऑल द सेपरेशन फ्रॉम द कंट्री इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल डिस्टेंस, कि कभी माना कि अपने वतन से दूर है, अमरीका में रहता है, गुर्बत में हो मगर रहता है दिल वतन में, समझो हमें वही दिल है जहां हमारा, तो कभी माना कि शारीरिक दृष्टि से बच्चों यहाँ मौजूद नहीं है, वो अमरीका में रहता है, इट इज इन फैक्ट गेटिंग इवन स्ट्रॉन्गर मैन इट यूज टू बी, तो जो कुल मिलाकर के कहीं भी रहता है लेकिन उसकी भावनाएं जो कहां जमी हुई है, मातृभूमि में जमी हुई है, और साथ ही साथ बच्चों जो है इकोलॉजी को बैलेंस रखने के लिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी के बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए हमको क्या है, पेड़ों में कोई बुराइयां देखते हुए उनको काटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ों में बच्चों जहाँ थोड़ी बहुत बुराइयां होती है वहां न जाने कितनी अच्छाइयां भी होती है। इस कविता का जो है मूल प्रतिपाद्य बच्चों यही है। तो इस तरह से आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली बात बच्चों अगली क्लास में। नमस्कार।